फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज है 28 क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएशन निकालने, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, है ना। और ये बनेगा यू इंटू वी से, और यू इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। U को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, V का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर V को छोड़ देते हैं और U का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये रूल हम लोग जानते हैं। तो U और V हम लोग डिसाइड कर लिए, ये U है ये V है। तो देखिए U, U मतलब हो गया cos 3x इंटू d V, V का हो गया sin 5x और dx हो जाएगा प्लस V, V मतलब sin 5x और डी यू, यू मतलब हो गया cos 3x dx, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे cos 3x और sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। cos 5x और x के साथ जो गुना में रहता है वो यहाँ लिख देते हैं 5, प्लस यहाँ हो गया क्या sin 5x इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन, cos 3x का माइनस sin 3x, साथ ही साथ x के साथ जो गुना में है वो यहाँ आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 cos 5x इंटू cos 3x, ये हो जाएगा माइनस 3 sin 5x इंटू sin 3x। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन 5x का cos 5x और x के साथ जो कोफिशियंट रहता है वो यहाँ गुना में लिख लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 5 कहाँ से आ जाती है, ये x के साथ जो गुना होता है वो यहाँ आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। और ये जो है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। और यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, ये डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि किसी को भी यू और किसी को भी मान सकते हैं। इसमें यू ये हो गया और भी ये हो गया, यू इंटू भी किसी को भी मान सकते हैं। और यू इंटू भी का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं। यू इंटू भी का फार्मूला, यू इंटू भी का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यू इंटू डी भी बाय डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर यू और भी पर बैठा देंगे। यू कितना है, तो यू है हमारा साइन एक्स इंटू डी, भी कितना है तो साइन टू एक्स बाय डी एक्स प्लस भी, भी मतलब साइन टू एक्स इंटू डी यू मतलब साइन एक्स बाय डी एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स और ये टू गुना में आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ देखिए साइन टू एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, बिल्कुल आसान। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। और सबसे पहला काम है कि u इंटू भी, तो u, हाँ ये चेन रूल यहाँ पर अप्लीकेबल होगा बढ़िया से। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन इंटू रूट ए एक्स प्लस बी, ये वाई मान लिए। अब यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये डी, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी। बोलिए एंगल में कौन है, कॉस के एंगल में ये है तो ये टोटल नीचे उतरेगा, डिफरेंशिएशन साइन रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, ये यहाँ आ जाएगा डी साइन रूट ए एक्स प्लस बी, नीचे कौन आ जाएगा
तो एंगल में कौन है, तो रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी रूट ए एक्स प्लस बी। और हम लोग जानते हैं कि रूट के नीचे जो होता है वो नीचे आता है, रूट के अंडर जो रहता है, तो ए एक्स प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना डी एक्स। अब ये देखो ये हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस बदल के माइनस साइन में ये जैसे तैसे लिखाएगा साइन रूट ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट ए एक्स प्लस बी, और रूट ए एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का हो गया ए का ये और एक्स का वन और बी का क्या हो गया जीरो। अब इसी को सजा के लिख देंगे बस माइनस ए इंटू साइन साइन रूट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू रूट ए एक्स प्लस बी, तो यही आंसर होना चाहिए इसका। कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो आज यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।